गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दोस्तों, कपिल मिश्रा को फाइनली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पुलिस ने उसे धर दबोच लिया है। दोस्तों, रांची एयरपोर्ट पर कपिल मिश्रा को पुलिस ने धर दबोचा है। कैसे नफरत की राजनीति करता है ये कपिल मिश्रा, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। हर किसी के फटे में टांग अड़ाने वाला कपिल मिश्रा को आज तक दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगा को भड़काने के लिए गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन झारखंड पुलिस ने ये हिम्मत जुटाई और कपिल मिश्रा की दंगा करवाने वाली साजिश पर रोक लगाई और उसको जेल के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, झारखंड पुलिस ने कपिल मिश्रा को धर दबोचा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कैसे वो हिंदू मुसलमान करवाने के लिए पहुंच रहा था, कैसे माहौल को खराब करने के लिए झारखंड पहुंच रहा था, इसको लेकर झारखंड पुलिस ने बड़ी ही सक्रियता के साथ, बड़े ही सतर्कता के साथ कपिल मिश्रा पर लगाम लगाई है। इस बात की जानकारी कपिल मिश्रा ने खुद ट्विटर पर दी है कि कैसे उसको पुलिस वाले ने हिरासत में ले लिया है, कैसे उसको पकड़ लिया है, कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड सरकार पर भी कपिल मिश्रा हमला बोल रहा है। दोस्तों, ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि झारखंड पुलिस द्वारा मुझे रांची एयरपोर्ट आए बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैं रांची एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे झारखंड पुलिस रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दे रही है। मेरी बात स्पष्ट है कि रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने आया हूँ। पुलिस के वाहन में चंद लोगों के साथ रुपेश जी के घर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रोक दिया गया है। झारखंड सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता हूँ। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, एक शोक संतप्त परिवार के दरवाजे पर जाने से क्यों रोका जा रहा है मुझे? रुपेश पांडे अगर तबरेज अंसारी होता तब भी किसी को नहीं जाने देते क्या? हजारीबाग जाना तो दूर, एयरपोर्ट से निकलने से भी रोका जा रहा है, ये कैसा भय? मुझे नहीं पता, हत्यारों अपराधियों को रोकिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो कपिल मिश्रा है, यहाँ पर एक रुपेश पांडे नाम के लड़के का हत्या हो गया है झारखंड में, और इस हत्या के बारे में अभी भी पुलिस खोजबीन कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। लेकिन नफरती नाग कपिल मिश्रा यहाँ पर नफरत की राजनीति करने के लिए पहुंच गया, जैसे दिल्ली में पहुंचा था दिल्ली दंगा करवाने के लिए, कैसे खुले तौर पर वो लोगों को भड़का रहा था, इसी की भनक पाते हुए झारखंड पुलिस ने इसे रोक दिया है। लेकिन ये तड़फड़ा रहा है, इसकी मरम्मत करने की भी इंतजाम की जा रही है। खबरों की अगर बात करें तो दोस्तों, खबरों के अनुसार झारखंड पुलिस ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट के लाउंज में ही डिपोर्ट करके रखा हुआ है। उन्हें रुपेश के परिजनों से मिलने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे पहले हजारीबाग के बरही में मारे गए रुपेश के परिजनों से झारखंड सरकार के तीन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर ने बहरी में मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वस्त किया था रुपेश के परिवार वालों को कि जो भी व्यक्ति घटना के पीछे है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि अगर पीड़ित परिवार चाहे तो रांची आकर मुलाकात भी कर सकते हैं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस घटना को दुखद बताते हुए इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की। रुपेश हत्याकांड के बाद बहरी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण भंग करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, उस पर जिला प्रशासन नकेल कसेगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये कपिल मिश्रा वहां पर राजनीति करने के लिए पहुंचा, नफरत की राजनीति। तबरेज अंसारी को याद करने लगा। सबको पता है कि तबरेज अंसारी की कैसे हत्या हुई, कैसे उनको मारा गया। यही बात अगर उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जाए कि हथरस कांड में और लखीमपुर खंड में, बाकी तमाम उन्नाव कांड में क्यों पुलिस प्रशासन रोक रही थी विपक्ष दल के नेताओं को, क्यों उन्हें जाने नहीं दिया, क्यों उन्हें नजरबंद कर दिया गया, क्यों उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद भी कपिल मिश्रा टांग अड़ाने पहुंचा, बरी अनुमंडल में शांति भंग करने को पहुंचा, जिस पर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे पुलिस ने इसको पकड़ते हुए, इसको
सबक सिखाने की बात कही है। आपको बता दें कि 600 बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं क्योंकि झारखंड में माहौल खराब है। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन दो गुटों के बीच झड़प में रुपेश नामक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। दो गुट आपस में पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं। पूरे क्षेत्र में प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च तक किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। शांति की अपील भी की जा रही है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। झारखंड के हजारीबाग में रुपेश पांडे हत्या कांड का मामला उलझता ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी इसके पीछे किसने हत्या की है ये खुलासा नहीं हुआ है। अब आक्रोशित लोगों ने धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने बहरी चौक जाम तक कर दिया था, जिसके बाद आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया और लंबा जाम लग जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने किसी तरीके से मना दना कर इनको शांत कराया। लोगों की मांग थी कि धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। इसके बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। प्रदर्शन के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। इस दौरान लोगों ने टायरों में आग तक लगा दी। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। घंटों मशक्कत के बाद स्थिति काबू में आई, जाम हटा। जाम को पुलिस वाले ने खुलवाया, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से जो माहौल खराब है उसको लेकर पुलिस पूरी सतर्कता दिखा रही है और पुलिस ने पूरी जगह पर पुलिस बल को तैनात कर दिया है कि कोई भी हिंसा को अंजाम ना दे पाए, कोई भी दंगा भड़काने में कामयाब ना हो। एसपी मनोज रतन का कहना है कि रुपेश पांडे हत्याकांड मामले में अभी तक मॉब लिंचिंग की बात सामने नहीं आई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है कि इनका किसी पुराने रंजिश की वजह से हत्या हुई है, इनको मौत के घाट उतारा गया। हालांकि मामले की पूरी जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। मामले में अब तक 4 एफआईआर तक दर्ज कर दिया गया है। झारखंड सरकार के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को 17 साल के लड़के रुपेश पांडे के माता पिता से भी मुलाकात किया और उनको पूरा आश्वासन दिया, आश्वस्त किया है कि जो कोई भी इसके पीछे है उसकी वो कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 6 फरवरी को देवी सरस्वती की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान हजारीबाग जिले में कथित रूप से मारपीट में रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। इससे सांप्रदायिक संघर्ष छिड़ गया था। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी यहाँ पर माहौल को समझाने की, सुलझाने की कोशिश की, पत्रकारों से बात किया। बातचीत करते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से इस मामले में सतर्कता बरतेंगे और हर एक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करेंगे। लेकिन रुपेश के हत्या को लेकर जिस तरह से गिद्ध मीडिया ने एंगल ढूंढने की बहुत कोशिश की, एक समाज को टारगेट करने की बहुत कोशिश की, गिद्ध मीडिया हो या फिर कपिल मिश्रा, इन्होंने वो कहते हैं ना कि दाव खोजने की कोशिश की, जिस दाव को वो नहीं खोज पाए, जिस दाव में वो मुसलमान एंगल नहीं निकाल पाए, तो ये खुद स्वयं वहाँ पर पहुँच गए कि कैसे परिवार वाले को भड़का दे, मोहल्ले टोले वाले को भड़का दे। और जो है भाजपाइयों का जो मेन मोटिव होता है, जो इनके नेता मंत्री का, किसी गुंडे से मवालियों से कम नहीं होता है कि चैन शांति को भंग कैसे किया जाए। ये कपिल मिश्रा से अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल कौन हो सकता है? आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम है जो जब भी उसको याद किया जाता है तो दिल्ली दंगे के साजिशकर्ता के इसमें याद किया जाता है कि कैसे दिल्ली दंगे को भड़काने के लिए इसका अहम मुख्य जो रोल था वो रहा है, वही रोल अदा करने के लिए ये झारखंड पहुंचा। लेकिन झारखंड पुलिस ने इसकी मरम्मत के लिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3rd डिग्री तक का इंतज़ाम कर रखा है। तो ऐसे में जो ये सो कॉल्ड नेता बनकर पहुँचा था, जिसकी नेताई झारखंड पुलिस ने, झारखंड सरकार ने निकाल दिया है, हर तरफ इन नफरत बाजों को लगाम लगाने के लिए ऐसी ही पुलिस की ज़रूरत है, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो। अगर दोस्तों अगर कहीं पर भी इस तरह का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे लोगों को तो खासकर उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करता हो, जो सिर्फ नफरत बांटता हो, जो सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानता हो। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जेल सबसे सुरक्षित
सुरक्षित जगह है जहाँ पर ये आराम से आराम फरमाएगा बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ऐसे लोगों के खुला घूमना देश और प्रदेश राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।